हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग क्रिएटिविटी। घर को डेकोरेट करना सबको पसंद है, तो क्यों ना हम अपने घर को पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों को नया रूप देकर डेकोरेट करें। ऐसे ही आज की वीडियो में मैंने 4 DIYs किए हैं जो घर की पड़ी चीज़ों को यूज़ करके किया है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट DIY है दिस वुडन फ्रेम। इसके लिए मैंने एक वुडन प्लैंक लिया है और उसको मैंने रफली पिंक कलर से पेंट कर दिया है। हम इसको बहुत अच्छे से पेंट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रफली पेंट करेंगे। इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद मैं एक जूट रोप से इसको रैप करूंगी। मैंने जूट रोप की यहाँ पर 3 लेयर्स बनाई हैं। इसको टाई करने के लिए मैंने पीछे नोट लगाई है। सेम प्रोसेस हम नीचे की तरफ भी करेंगे। फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर जूट फैब्रिक से फ्लावर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से लीफ पेटल्स बनाई हैं और उसके ऊपर मैंने जूट थ्रेड को लगाया है। जूट थ्रेड लगाने से पेटल्स अच्छे से हाईलाइट होती हैं। अब यहाँ पर मैं पेटल्स को कट कर लूंगी। ऐसे ही हम सारी पेटल्स को बनाएंगे। यहाँ पर मैं जूट थ्रेड की हेल्प से फ्लावर का सेंटर पार्ट बना रही हूँ। अब यहाँ पर हम सारी पेटल्स को असेंबल करेंगे एंड एक सुंदर सा जूट फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सेंटर पार्ट पर एक व्हाइट पर्ल भी लगाया है। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का जूट फैब्रिक लिया है, जिसकी साइड से मैंने उसके थ्रेड्स निकाल दिए हैं, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा लुक आए। इसको मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फ्रेम के सेंटर पार्ट में पेस्ट कर दूंगी। एक वुडन क्लिप को मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फ्रेम पर पेस्ट किया है, जिसकी हेल्प से हम अपनी फोटो को होल्ड करेंगे। हमारा सुंदर सा फ्रेम बनकर तैयार है। हमारा नेक्स्ट DIY है यह सुंदर सी बास्केट। इसके लिए मैंने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। अब हम इसकी साइड्स बनाएंगे, जिसको मैंने डॉक्टर टेप एंड फेविकोल की हेल्प से इसको कवर कर दिया है। बास्केट की हाइट मैंने 7 सेंटीमीटर ली है। बास्केट के बेस पर मैं यहाँ पर पिंक क्राफ्ट पेपर का यूज कर रही हूँ, जिसको मैं फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। साइड को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट का क्राफ्ट पेपर का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा पेपर को अंदर की तरफ पेस्ट कर देंगे। बास्केट के इनर सरफेस को मैं प्रिंट क्राफ्ट पेपर से कवर कर दूंगी। बास्केट का हैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड को रोल कर रही हूँ, जिससे कि वो कर शेप में आ जाए। मैं हैंडल को भी पिंक क्राफ्ट पेपर से कवर कर दूंगी। अब हम हैंडल को बास्केट के ऊपर फेविकोल की हेल्प से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बास्केट को डेकोरेट करने के लिए व्हाइट लेस का यूज कर रही हूँ। हैंडल की ब्यूटी बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर भी फ्लोरल प्रिंट का क्राफ्ट पेपर का यूज कर रही हूँ। हमारी बास्केट कितनी सुंदर लग रही है। यह बनकर तैयार है। हमारा नेक्स्ट DIY है दिस ड्रीम कैचर।
इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पूजा की थाली को कवर करने के लिए जिस क्रोशिया वर्क के कपड़े को हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ किया है। मैं यहाँ पर इसके जो साइड में टेसल वर्क वाला पार्ट है उसको कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक वायर फ्रेम ले रही हूँ जिसको मैं सबसे पहले ऑफ वाइट कलर की वुल से कवर कर दूंगी। अब मैं इस क्रोशिया वर्क के कपड़े को इस फ्रेम के चारों तरफ से सिल दूंगी। स्टिचिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ड्रीम कैचर को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉम्पॉम टेसल्स एंड वाइट पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं सुई की हेल्प से इस ड्रीम कैचर पर स्टिच करूँगी। पॉम्पॉम एंड टेसल्स को स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर लेस का भी यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लेस को पेस्ट करने के लिए ग्लू गन का यूज़ किया है। मेरे पास फेदर्स कम थे इसलिए मैंने उनको ड्रीम कैचर के ऊपर की साइड पेस्ट कर दिया है और वहाँ पर कुछ पॉम्पॉम भी यूज़ किए हैं। ड्रीम कैचर को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वाइट पर्ल्स का भी यूज़ कर रही हूँ। हमारा ड्रीम कैचर बनकर तैयार है। हमारा फोर्थ DIY है दिस स्टोन आर्ट। इसके लिए मैंने स्टोन के ऊपर ऑलिव ग्रीन कलर के एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर साइड में ऑलिव ग्रीन कलर में वाइट कलर मिक्स करके एक शेड दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से स्टोन के ऊपर वर्क करूँगी। मैं यहाँ पर बी बना रही हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से ही बी हैप्पी लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बी को कलर करूँगी। मैंने यहाँ पर येलो एंड वाइट कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। हमारा स्टोन आर्ट कंप्लीट है। हम इसको एज अ पेपर वेट भी यूज कर सकते हैं। आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।